हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य निर्भर में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार और गले में खराश होना, सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, इन सारी समस्याओं को आज बहुत ही इजी तरीके से दूर करने के लिए एक नुस्खा बता रही हूँ, जो कि इस नुस्खे से आपकी सारी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है जो काली मिर्च होती है, चार दाने काली मिर्च के लीजिए और उसको किसी भी तरीके से उसको भून कर उसका पाउडर बना लीजिए। और इसमें क्या करना है, आपको आधा चम्मच शहद लेकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसी को आपको सुबह यानी कि ब्रश करने के बाद सुबह इसको आपको सेवन करना है, चाटना है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी का सेवन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दिन में तीन बार लेना है, ध्यान दें, दिन में तीन बार। जी हाँ दोस्तों, दिन में तीन बार करने से क्या होगा कि आपके गले में खराश, कफ, खांसी, जुकाम, बुखार, जो सर में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सारी समस्या को दूर करने के लिए एक छोटा सा नुस्खा आपके लिए 100% काम करेगा। एक ही नहीं आता तो एक बार ज़रूर आजमाइएगा। कौन सा इसमें पैसा लगने वाला है, फ्री है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से देखेंगे कि अगर आपके गले में बहुत ही ज़्यादा खराश हो रही है, कफ जम रही है, खांसते खांसते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, या इस नुस्खे को जरूर ट्राई करिएगा। 100% बता रही हूँ कि आपको 5 मिनट के अंदर आराम मिल जाएगा। खांसते खांसते जो आपके सीने में दर्द, गले में दर्द, यहाँ तक कि पीठ में भी दर्द होने लगता है। ज़्यादा खांसने से पता है मांसपेशियाँ जो है लूज होने लगती है, रीढ़ की जो मांसपेशियाँ हैं लूज होने लगती है, क्योंकि हम खांसते हैं तो हमारे पेट पे, हमारे पीठ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत ही आसान तरीका है इस चीज़ को। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, कफ जम रही है, तो आप एक बार उनको भी इसको दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो, नए टिप्स, नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, तब तक आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, इन्जॉय करें, हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।